वॉन्ट टू लिव अवर लाइफ, तो वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर वॉट वी हैव। अब दूसरी चीज, जितना स्पेसिफिक हम होंगे उतना जल्दी वो चीज आएगा। ठीक है, अगर हम बोलो कि हाँ चलो ठीक है, आप कह सकते हो कि सबका सबका कल्याण हो, सबका भला हो, दिस इज फाइन, लेकिन अगर बोलो कि मुझे कुछ भी खाने को ला रहे तो सब कंफ्यूजन हो जाएगी। तो आप बोलो कि मेरे को ये चाहिए, आपने अक्टूबर में जाना है, अक्टूबर कौन से में जाना है, तो मुझे पूछ लीजिए अक्टूबर लिख। ठीक है, तो जितना क्लैरिटी होगा उतना सामने वाला आपको प्रिपेयर करके देगा। तो क्या होता है कि हम रेस्टोरेंट बहुत क्लियर होते हैं कि हाँ मुझे ये डिश चाहिए, जिंदगी में हम रोज चीजें बदलते रहते हैं, चल आज ये होना चाहिए कल होना चाहिए, थोड़ा वेट करो जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन यू हैव टू बी एब्सोल्युटली फोकस्ड, क्या मेरे को ये चाहिए, जितना क्लैरिटी में लिखोगे उतना क्लैरिटी में आप ये रखो। ये क्या है, ये 27 तारीख, ये 28 तारीख, ये 29 तारीख, डेट वाइज एफर्मेशन। ठीक है, और मान लो आपने जो कल कुछ लिखा था वो पूरा नहीं हुआ है, उसको आज लिख दो दोबारा। वाला बात ये आता है कि भाई कौन सी भाषा में लिखें ताकि काम जल्दी हो जाए, मराठी में लिखो, हिंदी में लिखो या अंग्रेजी में लिखो, राइट? तो ये जानिए कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो डिफाइन करती हैं कितनी जल्दी आपके पास चीज आएगी। आप किसी भाषा में लिखिए, आंख बंद करके सोचिए कि वो हो गया है, तो वो जो फीलिंग है ना, दैट विल ब्रिंग थिंग्स टू योर लाइफ।